करौंदी से हमारे संवाददाता असलम अंसारी की रिपोर्ट। करौंदी थाना क्षेत्र के अरंगी गटियरवा टोला में शनिवार को सौतेली माँ एवं पिता ने मिलकर 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री पूजा की हत्या कर दी, जिसका खुलासा करौंदी पुलिस के द्वारा पिता श्याम सुंदर एवं उसके सौतेली माँ से पूछताछ के बाद हुई। खुलासे के बाद करौंदी पुलिस ने पिता श्याम सुंदर को सोमवार को न्यायालय में उपस्थित करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं सौतेली माँ से अभी भी हत्या को लेकर पूछताछ की जा रही है। खरौंदी थाना प्रभारी अभय कुमार ने बताया कि शनिवार को अरंगी में पूजा की हत्या कर फांसी से लटका कर आत्महत्या का रूप उसके सौतेली माँ और पिता के द्वारा दी गई थी। पूछताछ के बाद दोनों ने स्वीकार किया कि नाबालिग पूजा को मारकर फांसी से लटकाया गया था ताकि हम सब पर किसी भी तरह का कोई आरोप न लगे। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि पूजा के सौतेली माँ की पूछताछ के बाद उसे भी न्यायालय में उपस्थित करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। आपको बताते चले कि शनिवार को दोपहर में नाबालिग पूजा को तो फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिला था। उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा एवं पूजा के मामा व मौसी के द्वारा उसके सौतेली माँ पर हत्या करने का आरोप लगाया गया था एवं मामा के द्वारा थाने में आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए रविवार को ही सौतेली माँ एवं पिता श्याम सुंदर को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ के दौरान ही दोनों ने हत्या को लेकर पुलिस की सारी गुत्थी सुलझा दी।